तो हे दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल आरबी में आपका स्वागत है। तो आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो हमारा कैश करो में जो भी हमारे पास रिवॉर्ड और कैशबैक पड़े हैं उसको हम कैसे ट्रांसफर करें अपने बैंक अकाउंट में या फिर हम कहीं भी कैसे ट्रांसफर करें। तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जब भी मैं कैश करो से रिलेटेड कोई भी ऑफर का वीडियो लाता था तो उसमें आप सभी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि उसको हम कैसे ट्रांसफर करें। तो चलिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे ट्रांसफर करना है। और अच्छी बात तो ये है कि आपको कैश करो में जो भी आपको कैशबैक मिला है और जो भी रिवॉर्ड मिला है दोनों आप एक साथ ट्रांसफर कर लोगे। और उससे अच्छी बात ये है कि आपके पास 250 रुपये का जो भी कैश करो रिवॉर्ड नहीं हुआ है तो भी आप ट्रांसफर कर पाओगे। तो ये बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है और इसको आप चाहो तो अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको अमेजन पे में ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको उसी पैसे को आप चाहो तो अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ यार इसको जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी लेटेस्ट ऑफर होती है वो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही देता हूँ। स्पेशल रिचार्ज से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसी स्पेशल ऑफर रहती है वो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही देता हूँ, तो जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके इसके ऊपर चेक बेल आइकन होगा उसको जरूर से प्रेस कर दें। तो अभी हम आ चुके हैं कैश करो ऐप्स में। मैं अभी आपको कैश करो के ऐप्स के थ्रू बता रहा हूँ, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको माय अर्निंग पे आ जाना है। आने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास इतना अभी टोटल अर्निंग हुई है, जैसे 106 रुपीज़ मेरे को पास कैशबैक है और 206 रुपीज़ मेरे पास रिवॉर्ड है। तो टोटल मिला के आप देख सकते हो इतना हुआ है। लेकिन अभी आप देख सकते हो कहाँ से मुझे कितना मिला है, तो 206 रुपीज़ मुझे रिवॉर्ड मिला है और उसके बाद मैंने कुछ रेफर किया था उसका मुझे 81 रुपीज़ मुझे मिला है। तो कुछ इस तरह से मुझे मिला है दोनों की तरफ से। तो जैसे आप देख सकते हो तो आधा मेरे पास कैशबैक है और आधा मेरे पास रिवॉर्ड है। तो सिंपल अभी आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको दिख रहा होगा रिक्वेस्ट रिवॉर्ड पेमेंट पे, सिंपल वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो वहाँ पर बताया जाएगा कि आपके पास 206 रुपीज़ है और मिनिमम रिडीम करने के लिए आपको 250 होने चाहिए। लेकिन अभी हम कैशबैक और रिवॉर्ड को दोनों को ज्वाइन करके आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो ठीक है, आपको रिवॉर्ड ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से पेमेंट पे ट्रांसफर करना है। तो वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो आपको अमेजन गिफ्ट कार्ड, उसके अलावा आपको फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड। तो इनमें से आप अमेजन का ही सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको सिंपली अपने ईमेल आईडी दे देना है, कोई भी वैलिड था तो सिंपली वहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। सिंपली आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी दे देना है। इसके बाद आपको सब कुछ ऊपर से चेक कर लेना है कि आपका कितना टोटल हुआ है दोनों को मिला के। तो जैसे आप अभी देख सकते हो मेरा टोटल कितना हुआ है। तो जैसे ये मेरे ईमेल आईडी सक्सेसफुल मैंने दे दिया है, इसके बाद मैं अपना दिख रहा हूँ, जैसे आपको ऊपर दिख रहा होगा 313 रुपीज़ मेरा टोटल हो रहा है पेमेंट के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो 106 रुपीज़ कैशबैक है, 206 रुपीज़ रिवॉर्ड है, टोटल 313 रुपीज़ मेरे पास हो चुके हैं। सिंपल आपको गेट पेड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास जो भी कैश करो में नंबर है रजिस्टर, सिंपल उस पर आपको OTP आएगी। OTP देने के बाद आपको बताया जाएगा आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, वो 6 से 8 वर्किंग दिन के अंदर आपको अमेजन पेमेंट मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि 5 से 8 दिन आपको लग जाएंगे, 8 वर्किंग दिन के अंदर आपको वो कैशबैक आपको मिल जाएगा सक्सेसफुली। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आपको अमेजन पे में ही मिल जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस जो थी, जो मैंने आपको समझा दी, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। उतना करने के बाद आपको अपना कैशबैक और रिवॉर्ड दोनों एक साथ आप ट्रांसफर कर पाओगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि आप बहुत सारे लोगों का ये भी आ रहा था कमेंट कि उसके पास सिंपल 200 या फिर 150 ये है उसके पास रिवॉर्ड, उसके अलावा उसके पास कैशबैक है, क्योंकि वो रेफर करेंगे तो आपको टोटल मिलकर 250 हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो अब आप देख चुके हो इस वीडियो को, जहाँ पर आप समझ चुके हो कि आपको जो भी आपका कैशबैक और रिवॉर्ड मिला है उसको आपको कैसे ट्रांसफर कर लेना है। और रही आपको अमेजन पे में वाली बात कि आपको अमेजन पे में मिलने के बाद आपको कैसे ट्रांसफर करना है, तो सिंपल इसमें भी मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया है कि अपना अमेजन पे बैलेंस है उसको आप बड़ी आसानी से अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो घुमा फिरा के जो भी आप कैश करो से रिवॉर्ड, जो भी आप रिवॉर्ड और कैशबैक कमाओगे वो तो आपको बड़ी आसानी से बैंक अकाउंट में ही मिलने वाला है, क्योंकि आपको वो पेमेंट मिलेगा अमेजन पे बैलेंस में, उसके बाद आपको मिल जाएगा बैंक अकाउंट में। तो सबसे पहले आपको कुछ घुमा फिरा के काम करना होगा, तभी जाके आपने जो भी कैशबैक अर्न किया है वो कैशबैक आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। या फिर आप चाहो तो अपने अमेजन पे भी अकाउंट में भी रख सकते हो, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, आप चाहो तो वहाँ पर भी रख सकते हो, शॉपिंग या फिर रिचार्ज में काम आ जाएंगे। या फिर आप चाहो तो बड़ी आसानी से उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो बैंक अकाउंट में, उससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बना के दिया है, तो चाहो तो उसको भी देख सकते हो, मैंने लिंक दे दूंगा आई बटन में।
तो बस इस वीडियो में इतना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और ऐसी ऑफर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट ऑफर होती है वो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना।